just like to thank everybody for coming here, making time and coming here and watching our trailer. This is a film made with a lot of heart, and we need the people to know about this film when they come to watch it on the 10th. So we'll need all the support and love from you guys. Thank you today. बड़ी सुंदर फिल्म है भैया. बहुत मजा आएगा आप सबको यार. डेढ़ है पर तो ये फिल्म उन सब डेढ़ शानों के लिए है जिन्होंने इश्क किया है. So I think all of you are going to enjoy the film a lot. Obviously, thank you very much for coming here. Really nice of you all. आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था and here's the second installment of the same thing. It's a beautiful film, very well shot, a lot of hard work has gone into it. How do you like this the promo? Thank you. Please spend some money and buy some tickets. Thank you. Enjoy the movie. Hello everyone, thank you for coming here. I hope you guys enjoyed the trailer. We've all worked very hard and like everybody says, we have really worked hard. We have been to the remotest of locations. And the dirtiest of locations, but I didn't know that they could look so beautiful on screen. So hats off to Sethu for doing such a brilliant job. It was wonderful working with Abhishek Chaubey for the first time. I really enjoyed it. The whole cast, Naseer ji, Arshad, Huma, and everyone. I really, really enjoyed working with them. It was like having a picnic, you know, in the dirtiest location on earth. But we made it work, and I think we really enjoyed it. So you will see that in the movie, and I hope you really enjoy it. So thank you again. Ishqiya bahut achhe the, isliye Dedh Ishqiya to banne hi thi. Aur mera ek gana hai isme khas jiske bare mein main kehna chahungi. Bahut purani thumri Begum Akhtar Sahiba ki hamri atariya pe aa ja re samariya, usko isme kiya jiski sthayi waisi rakhi hai, lekin antre jo hai Gulzar sahab ne is film ke hisab se likhe hain aur uski dhun Vishal ne उस हिसाब से नई दिन बताई है अंतरों की, और पूरा अरेंजमेंट जो है वो उसी इरा का किया है. इश्किया से डेढ़ इश्किया का सफ़र 4 साल का रहा, लेकिन एक अच्छी कहानी और अच्छी स्टार का वक्त तो लगता ही है. तो होप यू विल लाइक दिस फिल्म, और ये बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है. प्लीज कुछ क्वेश्चन. मेरा सवाल आपसे ये है कि डेढ़ इश्किया के अलावा कई सारी स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपको ऑफर किया गया लेकिन आपने मना कर दी. सिर्फ डेढ़ इश्किया को साइन किया था उस वक्त, क्या वजह थी डेढ़ इश्किया को साइन करने की? मुझे वो कैरेक्टर मेरा बहुत अच्छा लगा जो बेगम पारा का कैरेक्टर है, और पूरी स्क्रिप्ट ही मुझे अच्छी लगी थी. जो सब इक्वेशंस हैं सब एक्टर्स के, सब कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ बहुत मज़ेदार हैं. चढ़ उतार उसमें बहुत सारे हैं, और उतार चढ़ाव उसमें गिव एंड टेक बहुत है, और जो एक कमरेडरी है टुवर्ड्स द एंड, आई थिंक वो सब मुझे बहुत भाग गई. तो दैट्स व्हाई इश्क एक एहसास है. इश्क के साथ इश्किया तो समझ में आता है, ये डेढ़ क्यों, क्या है ये डेढ़? क्योंकि हमने ये फिल्म पूरी डेढ़ शिफ्टों में की है. पहली वाली इश्किया जो थी वो एक लार्ज रिंग का, ये पटियाला है, दैट्स व्हाई ये डेढ़ इश्किया. सात मकाम होते हैं इश्क में, सात. ये सात मकाम जो इसमें कहे गए हैं, सात मकाम. डेढ़ इश्किया के लिए कौन सा जो जुनून है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा, मेरे हिसाब से हर इंसान के जिंदगी में उसके मकाम के मायने बदल जाते हैं. बाज़ दफा आपका शायद चौथा मकाम पहला हो जाता है, कई दफा आपका जो आखिरी मकाम है वो शायद दूसरा हो जाता है. तो मकाम अक्सर बदल जाते हैं. अब हम इश्क के साथ में मुकाम पे हैं. वो क्या है? मौत. ये जो आपको सात मकाम दिखाए गए हैं फिल्म के प्रोमो में, ये छलावा है. असली मकाम आपको फिल्म में दिखाया जाएगा. डेढ़ इश्किया के लिए एक और मकाम है जो फिल्म के अंदर, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे. बोल रही है वो है डेढ़ इश्किया में वो मकाम. अर्शद और माधुरी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर क्या है इस मूवी में, जरा डिटेल में बताएंगे? जो भी है मजेदार है, मतलब मजा आएगा. हाँ यही राज है. हम नवाब लग रहे हैं कि नहीं? लग तो रहे. I want to ask, like,
एज यू सेड नसीरुद्दीन जी के साथ काम करने समय उनके आईज लाइक बहुत ज्यादा ग्लो वैसे थी, तो आपको लाइक कैसे इसका की जो सीन्स थे जब व्हेन यू वर डूइंग द सीन्स विद हिम, तो हाउ वाज यू वर वेरी कंफर्टेबल विद दैट और लाइक सम प्रॉब्लम्स वर आल्सो नसीरुद्दीन जी ने आपकी हेल्प की, ऐसा कुछ था? इट वाज कंप्लीटली कंफर्टेबल, वी ऑल वर वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस सेट. In fact, I was told that Naseer ji usually is really irritated. This time, he was very, very happy on the set. Is baar ishq sachcha hai, hamara bhi aur unka bhi. Dedh Ishqiya mein bhi aapke kuch dancing numbers par kuch batayenge jo aapne dance kiya hoga? Ji haan, ek dono hi gaane Rekha ji ne gaaye hain isme aur bahut khoobsurti se gaaye hain unhone. Ek jo dance hai wo Maharaj ji ne compose kiya hai, Pandit Dedh ji Maharaj ji. और जो दूसरा है वो किया है कंपोज रेमोन. अभिषेक, अरशद एंड नसीरुद्दीन शाह कंटिन्यू विद द सीक्वेंस, व्हाई इज दैट यू चोज माधुरी नॉट यू नो गिविंग गो अहेड विद दिव्या? It was a simple reason that when we decided to make the sequel, there was nothing more that I could talk about Vidya's character from the first film. Krishna's story was over. What I wanted to say about her, her was done. So to bring her into this new film, she had absolutely nothing to offer to the story because her story was over. I could only take forward the story of the two men and tell their a new adventure in their life and the way they meet new women, what happens. But therefore, that's the simple reason. आपको पहले कहीं देखा है? याद आए कहाँ तो इतना जरूर कीजिएगा. हम भी ढूंढ रहे हैं कब से इतने आपको. I am at the stage of renouncement. I just believe in love. इसमें तो एक मिसिंग है.